नमस्कार, बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। बदायूं में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। उजानी पुलिस ने 5 लाख की शराब के साथ 2 को किया गिरफ्तार। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक की शराब की जब्त। पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में यूपी के बदायूं में पिछले 1 सप्ताह के दौरान 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की देसी व अंग्रेजी शराब के साथ 4 वाहनों को कब्जे में लेकर उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अवैध शराब का यह जखीरा पंजाब व हरियाणा से बिहार के लिए ले जाया जाता था, जिसका पुलिस ने भंडा फोड़ कर बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत सीओ उजानी के पर्यवेक्षण में मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कछला पुलिस चौकी के सामने से डाक पार्सल लिखे आयसर कैंटर नंबर HR69B9719 से पुलिस ने 80 पेटी शराब बरामद कर चालक व परिचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार चालक दिलशाद व परिचालक सलमान शराब खरखोदा हरियाणा से अलीगढ़ के रास्ते बरेली लेकर जा रहे थे। चालक व परिचालक बागपत निवासी हैं, जिन पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले में अब तक 5000 पेटी अवैध शराब बरामद कर 4 वाहनों को कब्जे में लिया गया है। अब तक 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की गई है। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। कितनी शराब क्योंकि डीजीपी मुख्यालय और शासन के निर्देश के क्रम में अवैध शराब परिवहन और निष्कर्षण के संबंध में विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत रात्रि में विशेष चेकिंग कराई गई थी। इसमें 3 थाना क्षेत्रों से लगभग 3000 पेटी शराब बरामद हुई है और 4 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, उनके चालक पकड़े गए हैं। ये पंजाब और हरियाणा से शराब परिवहन करते हैं और ले जाकर बिहार भेजते हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत लगभग 7 गुनी हो जाती है, ऐसा बताया गया है। इसमें जो इनके सूत्र हैं, बीच के बिचौली हैं, उनके विषय में जानकारी करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यह भी अवगत कराना है कि विगत 1 सप्ताह में जनपद बदायूं में 5000 पेटी से अधिक अंग्रेजी और देसी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत अनुमानित कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास आकलित है। ये कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी ताकि इन शराब माफियाओं की कमर तोड़े।